बुरहानपुर जिले में प्राचीन भगवान स्वामीनारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव का 195वां पाटोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें गुजरात से पधारे साधु संतों और भक्तों ने सूर्य पुत्री ताप्ती के पवित्र जल को लाकर 501 लीटर दूध, फलों के जूस, इत्र आदि से जलाभिषेक कर आरती पूजन कर 56 भोग लगाए। साथ ही मन की शुद्धि के लिए सत्संग और तन की सफाई के लिए पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपनाने की सलाह दी। बता दें कि जिले के स्वामीनारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव, जिन्होंने खुद स्वामीनारायण भगवान की अपने हाथों से मूर्ति की स्थापना की थी, अब उसे 195 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके तहत ही भगवान स्वामीनारायण वर्णीय अवतार में जिस हाथी नुमा पत्थर पर बैठे दही रोटी खाई थी, तभी से यह मूर्ति की उपासना भी शुरू हुई थी। आज उसी मूर्ति का 501 लीटर दूध और ताप्ती जल से जलाभिषेक किया गया। इसी अवसर पर भक्तों ने भगवान को 56 भोग लगाकर लक्ष्मी नारायण देव का 195वां पाटोत्सव मनाया। आज बुरहानपुर में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर का 195वां पाटोत्सव था, यानी लक्ष्मी नारायण देव को यहाँ विराजमान हुए 195 साल पूर्ण हो चुके हैं। और आज उस निमित्त में भगवान का अभिषेक था, पाटोत्सव था, और बहुत सारी संख्या में हरि भक्तों ने भगवान के अभिषेक का दर्शन का लाभ लिया और 56 भोग का आज दर्शन भी प्राप्त हो रहा है। राजोपचार भी किया गया? हाँ, राजोपचार के साथ भगवान का अभिषेक हुआ है और बहुत सारे भक्तों ने भगवान के दर्शन करके अपने को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई।